की रेंटर है, आज भी एयरटेल बीएसएनएल के 40-60% तक रेंटल पर चलती है। अब बीएसएनएल का आप कोई भी सिम देखते हैं, जल्दी नहीं मिलेगा। 9-4 से शुरू होने वाले बीएसएनएल होते हैं, जब सीएम सिम नहीं चल रहा है, उसका कोई टेलीफोन खरीदता नहीं है, तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी चल कैसे रही है? किराए पर, किराए पर। कोई ना कोई नेटवर्क तो उसको रेंट लेगा ही लेगा, कहाँ जाओगे? तो सिर्फ अर्निंग, वो जो इन्वेस्टमेंट की थी आज से 40 साल पहले, उस इन्वेस्टमेंट का अर्निंग वो यूज कर रही है। आपने कभी सुना है कि बीएसएनएल बंद होने जा रहा है? कभी नहीं सुनेंगे, वो रीढ़ की हड्डी है देश की। तो TR2 इंडिया अपने बाउंड्रीज के अंदर में तार बिछाने और नेटवर्क केबलिंग करने का की जिम्मेदारी लेता है। अभी भी कोई भी कॉमन पीपल के जेब से एक रुपया नहीं लगा है। गवर्नमेंट जब आती है और अगर लगता है कि 1 लाख जो भी 1 लाख वोल्ट का जो पावर आपके खेत से होकर गुजरेगा, तो एक बिजली का पूरा ऑफिसर आएगा आपके पास कि देखिए सर, आपके खेत से गुजरने वाला है और ऐसे से हम अपने खेत से नहीं गुजरने देंगे। तो चाहे सरकार को आपको गोली मारनी पड़े, आपकी ज़मीन खरीदनी पड़े, बाय प्यार से चाहे बाय ज़बरदस्ती, वो करके रहेगी। हाँ या ना? अगर आपके घर से मेट्रो ट्रेन गुजरने वाली है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट पास हो गया है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अपना घर हम नहीं तोड़ने देंगे? पॉसिबल है क्या? सुना है कभी? आप कितना भी केस लड़ रही है, एक व्यक्ति के घर तोड़ने से 1 करोड़ लोगों को सुविधा होगी, तो कौन सा काम किया जाएगा 1 करोड़ के लिए कि 1 किला एक आदमी के लिए? तैयार रहिए। और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है इसको। कई जगहों पर इस NH को 4 लेन के NH को बनवाने के लिए कई लोग आबाद हो गए, तो कई लोग बर्बाद भी हो गए। एक रात में सारा का सारा वो दुकानें उकाने जो लहलाता दुकान, एक करेंट आया तोड़ तार के चला गया। अब ये कह रहा है सरकार कि हम आपको तो दूसरी जगह दे दें। देखिए, बिजनेस एस्टेब्लिश करने में सालों लगते हैं, अब उसको आप एक नई जगह पर एस्टेब्लिश कीजिएगा, फिर उस रंग में आने में टाइम लगेगा। TR2 समझ में आ गया ना? TR1 में इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, TR2 नेशनल बाउंड्री हो गया, TR3 मोबाइल ऑपरेटर, TR3 मोबाइल ऑपरेटर। अब इसको थोड़ा मैं बड़े में करके दिखा दूं, थोड़ा समझाने के लिए। अगर कोई ये लैंड पार्ट है, एक मिनट के लिए, और यहाँ यहाँ से